नमस्कार, बेबी हेमरेम यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का सेशन 3 करवाने वाली हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ ऑप्शन है ए जावा, बी कंबोडिया, सी सुमात्रा और डी चंपा। यहाँ सही आंसर होगा बी कंबोडिया। सेकंड क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कनौज और डी राजगृह। यहाँ सही आंसर होगा सी कनौज। तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखधर, सी कालिदास और डी भास। यहाँ सही आंसर होगा बी विशाखधर। चौथा क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कोढ़ी, बी निस्क, सी दिनार और डी पन। यहाँ सही उत्तर होगा सी दिनार। पांचवा क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 58 ईस्वी पूर्व, सी 72 ईस्वी पूर्व और डी 56 ईस्वी पूर्व। यहाँ सही आंसर होगा बी 58 ईस्वी पूर्व। छठा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखेंगे ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। यहाँ सही आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। सातवां क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यहाँ ऑप्शन देखेंगे ए पूर्व आर्यन यानी प्री आर्यन, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। यहाँ सही उत्तर होगा ए पूर्व आर्यन। आठवां क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। यहाँ सही उत्तर होगा बी कुषाण काल। नौवां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूट को जो यहाँ दिया हुआ है, निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा, ये तीनों सही होगा, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन है ए, केवल एक दो और तीन सही है। यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में जो कथन, यहाँ चार कथन दिया हुआ है, इन चार कथन में ये तीन कथन ही सही है। ये तीन कथन, पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए कूट ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये दसवां लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यहाँ ग्रंथ का नाम दिया हुआ है ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता और डी महाभारत। यहाँ सही उत्तर होगा सी गीता में। गीता में यह कथन लिखा हुआ है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरी और भी वीडियो चाहिए तो बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।